और उधर इज़राइल ने दावा यह भी किया कि उसने लेबनान बॉर्डर के पास हिजबुल्ला के ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी है और उसके कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसका उसने एक वीडियो भी जारी किया। और उस वीडियो में इज़राइल का गुस्सा मिसाइलें बनकर चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों पर बेतहाशा फटता दिखा। इज़राइल की एयर स्ट्राइकों ने रात में सोते लेबनान को दहला दिया। इज़राइल ने वहां इतने जबरदस्त धमाके किए कि उनकी आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी ने रात के काले आसमान को नारंगी कर दिया। इज़राइल ने दावा किया कि उसने लेबनान बॉर्डर के पास हिजबुल्ला के ठिकानों पर मिसाइलें दागी और सब कुछ तबाह कर दिया, क्योंकि खबर है कि लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास आतंकी संगठन हिजबुल्ला के हजारों लड़ाके तैनात कर दिए गए थे, जो खतरनाक हथियारों के साथ इज़राइल में घुसपैठ के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से चौतरफा घिरा इज़राइल अपने हाथ से एक भी मौका जाने नहीं देना चाहता है और इसलिए वो हिजबुल्ला के ठिकानों पर काल बनकर टूट पड़ा। इज़राइल और हमास के बीच जंग धीरे धीरे अब भयानक रूप लेते जा रही है। ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान इज़राइल के खिलाफ ऐसी साजिश रचने में जुटा है जिससे उस पर एक साथ चार मोर्चों पर हमले हो सकते हैं। इनमें से तीन हमलावर कोई और देश नहीं बल्कि चरमपंथी गुट होंगे। धर्म के नाम पर तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार होने लगी है। यूं तो हमास और इज़राइल के बीच छिड़ी जंग अस्तित्व को बचाने की जंग है, जिसमें एक तरफ इज़राइल ने हमास को मिटा देने की कसम खा ली है, तो दूसरी तरफ हमास दुनिया के नक्शे से इज़राइल का नामो निशान मिटा देने का मिशन चला रहा है। हमास और इज़राइल की लड़ाई में दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है और बंटवारे का सबसे बड़ा आधार है धर्म। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की वजह धर्म होगा? धर्म के नाम पर युद्ध की इस चिंगारी को भड़काने में जुटा है ईरान। इज़राइल के खिलाफ तीन चरमपंथी संगठनों को युद्ध के मैदान में आगे खड़ा कर ईरान पीछे से इन्हें सपोर्ट कर रहा है। ईरान इज़राइल पर चौतरफा हमले की एक बड़ी साजिश रचने में जुटा है। इस हमले में इज़राइल के खिलाफ एक मोर्चा हमास ने संभाला हुआ है, तो दूसरा मोर्चा हिजबुल्ला ने संभाला हुआ है और तीसरा मोर्चा खोल दिया है यमन के हूथी विद्रोहियों ने। हमास, हिजबुल्ला और यमन के हूथी विद्रोही, ये तीनों संगठन इज़राइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इन तीनों में से एक साथ युद्ध करना इज़राइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले बात हमास की। इज़राइल का दुश्मन नंबर वन हमास फिलिस्तीन का बेहद ताकतवर चरमपंथी गुट है, जो 2007 से गाजा पट्टी पर अघोषित हुकूमत कर रहा है। हमास की मर्जी के बिना गाजा में एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता। 2014 में ईरान ने ऐलान किया था कि उसने अपनी फज्र 5 मिसाइल की तकनीक हमास के साथ साझा की है, जिसके बाद हमास खुद गाजा पट्टी में मिसाइलों का निर्माण कर सकता है। यही कारण है कि हमास ने 7 अक्टूबर को एक साथ इज़राइल पर 7,000 रॉकेट दागे। तो सोचिए, जिस चरमपंथी संगठन के पास मिसाइल बनाने की तकनीक मौजूद हो, वो समूची दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अब बात लेबनान की राजनीतिक और चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला। हमास की तरह हिजबुल्ला को भी ईरान का समर्थन हासिल है। इसी समर्थन की बदौलत हिजबुल्ला बहुत ताकतवर बन चुका है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट का जखीरा मौजूद है और 1 लाख लड़ाकों की हाईली ट्रेंड फोर्स है। इज़राइल के लिए तीसरा बड़ा खतरा यमन का विद्रोही गुट हूथी है, जिसने यमन की राजधानी पर 7 बरस से कब्जा कर रखा है। सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के विरोध में हूथी समुदाय ने संगठन बनाया। 1990 में हुसैन बद्रुद्दीन अल हूथी ने हूथी विद्रोह की नींव रखी। यमन की आबादी के एक तिहाई की हिस्सेदारी हूथी समुदाय की है। यमन के बड़े इलाके में हूथी समुदाय का कब्जा है। 2022 में हूथी विद्रोहियों ने आबू धाबी के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था। इसमें कई लोगों की मौत हुई थी, जिसमें भारत के भी कई लोग शामिल थे। इससे पहले 2021 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हूथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। सऊदी अरब और यूएई 2015 से ही यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें जीत नहीं मिली है।
और ईरान का दावा यह है कि हूथी विद्रोहियों के पास 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जो तेल अवीव को निशाना बनाने में सक्षम है। अगर इसराइल इन तीनों चरमपंथी गुटों को मात दे भी देता है तो ईरान चौथे मोर्चे के रूप में सामने आ जाएगा। ईरान जो 7 अक्टूबर के बाद कई बार इसराइल को युद्ध में उतरने की धमकी दे चुका है, अगर ईरान इसराइल के खिलाफ युद्ध में उतरता है तो युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया में कैसे फैल सकती है, जरा इसे भी समझ लीजिए। दुनिया में मौजूद सभी मुस्लिम देशों की आबादी करीब 200 करोड़ है और ये सभी मुल्क फिलिस्तीन और उसके चरमपंथी संगठन हमास के साथ खुलकर खड़े हैं, जिनकी अगुवाई की कोशिश में जुटा है ईरान। और ईरान के साथ इसराइल पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है कंगाल पाकिस्तान। मुस्लिम मुल्कों के साथ ही दुनिया की लाल शक्तियों का झुकाव भी फिलिस्तीन की ओर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इसराइल की ओर है और जहां अमेरिका खड़ा हो वहां रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश कैसे खड़े हो सकते हैं। हालांकि इसराइल के खेमे में अकेले अमेरिका नहीं है, अमेरिका के साथ खड़े हैं यूरोप के ताकतवर नाटो देश फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। यानी कि कोई भी खेमा कमजोर नहीं है, इसीलिए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडराने लगा है। और उधर हमास से जारी जंग में इजराइल की सेना ने हमले पहले से और ज्यादा तेज करने के संकेत दे दिए हैं, जिससे अब युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। खबर के मुताबिक इजराइल आज से गाजा पर अपने हमले बढ़ाने की योजना बना रहा है। बीते रोज इजरायली सेना ने कहा कि वो हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए गाजा पट्टी में अपने हमले तेज करने वाली है। इजराइल की सेना ने एक बार फिर गाजा सिटी के लोगों से इलाका खाली करके साउथ की तरफ जाने की बात कही है। बड़ी बात है कि 7 तारीख से जारी जंग में अब तक गाजा के 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 13000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इसराइल की सेना इस बार हमास का फुल एंड फाइनल करने के प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है। इसराइल ने साफ किया है कि वो इस बार हमास का खात्मा करने से पहले नहीं रुकेगा। और इस बीच इसराइल की सेना ने एक वीडियो जारी कर चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले का दावा कर दिया है। इसराइल के मुताबिक ये हमला लेबनान से लगने वाली सीमा के पास किया गया और उसके निशाने पर उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी हिजबुल्ला के आतंकी ठिकाने थे, जिन पर इसराइल की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। इस वीडियो में घने जंगलों के बीच एक धमाका होता दिखाई दिया। इसराइल के मुताबिक उसकी सेना ने लेबनान सीमा के पास चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के अड्डों पर हमला बोला और उसे तबाह कर दिया। इस वीडियो में उस जगह पर जोरदार धमाका होता नजर आया। इसराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्ला के गुप्त ठिकानों की रेखी की और वहां आसमान से बम गिराया, जिसके बाद वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि हिजबुल्ला का वो खुफिया ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास को मिटाने की अपनी तैयारी को दिखाते हुए एक वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में इजरायल की सेना दुश्मन से निपटने की ट्रेनिंग लेती हुई नजर आई। इस दौरान पहले तो वहां इजरायल की सेना के टैंक गरजे, इसके बाद इजरायल के सैनिकों ने वहां गोलियों की झड़ी लगा दी। इसराइल की सेना के मुताबिक उसके जवानों को मुश्किल से मुश्किल हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान वो सैनिक एक नकली घर में भी घुसते दिखाई दिए। माना जा रहा है कि ये ट्रेनिंग इसलिए दी गई ताकि गाजा के इलाके में घुसकर इसराइल की सेना हमास पर जमीनी हमले कर सके। और गाजा के अल अहली अस्पताल के बाद वहां के खान यूनिस में हमला हो गया है, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया क्योंकि इस हमले में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत और करीब 40 लोगों के जख्मी होने का दावा किया गया। और इस बार भी हमले का आरोप इसराइल की सेना पर लगा, क्योंकि हमास के हमले के बाद कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब इसराइल ने गाजा पर रॉकेट और मिसाइलें न बरसाई हो, और इसलिए उस अस्पताल पर हुए हमले का आरोप भी इसराइल पर ही लगा। इस हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें पूरे इलाके में दहशत का माहौल दिखा। रॉकेट अटैक के बाद वहां बने घर मलबे में तब्दील दिखे। ये हमला इतना जोरदार था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और एक ही झटके में सब तहस नहस हो गया, जिसके बाद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।